बच्चों, आज हम एलिफेंट बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ऐसी शेप बनाई, फिर इसके बाद ये, हाथी का फेस बन गया। ये बिल्कुल सिंपल हाथी आपको बताया जा रहा है। ये पीछे और ये दूसरा पैर। इसके बाद आप इसको जैसे चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस अगर किए जाएं तो हाथी एकदम से आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे आप चाहें तो इसकी सूंड को अंदर की तरफ ऐसे ला सकते हैं और ये दांत इसका ये आ गया, ये दूसरा। जो पैर ये, क्योंकि कलात्मक हाथी है जिसका यूज़ आप मेहंदी में, आलेखन में और कहीं भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल वास्तविक एलिफेंट से इसकी तुलना ना करें। आप चाहें तो इस पैर को थोड़ा मोड़ के बना सकते हैं। तीसरी शेप में हम क्या करेंगे, इसकी जो सूंड है उसको ऐसे ऊपर उठा देंगे। और बाकी की शेप बिल्कुल उसी तरह से हमें बनानी है। हम चाहें तो ये दो पैर आगे की तरफ भी बना सकते हैं। ये इसके दांत की शेप भी हमने थोड़ी चेंज कर दी है। अधिकतर हाथी जो ये मैंने बताया, ये पेंटिंग में जो कलात्मक पेंटिंग हैं उनमें, आलेखन में और मेहंदी में यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए आप, तीनों हाथी में जरा जरा सी शेप में अंतर करने से तीनों शेप हमें एकदम से अलग दिखाई दे रही हैं। इन्हें बार बार बनाकर इनकी प्रैक्टिस कीजिए।